कल्चर के को जानते हैं, समझते हैं और समझते हैं कि अगले 10 साल में 20 साल में कल्चर कहाँ होना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको आपको ला के उनको उनके जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आज आप प्रॉपर्टी का बूम देख रहे हैं तो वो हुकूमत की पॉलिसी के बाद प्रॉपर्टी का बूम आया है। अगर आप एमनेस्टी स्कीम देखते हैं FBR की, तो वो भी लोग जो वाइट पैसे करा रहे हैं अपने, वो भी हुकूमत की पॉलिसी के बाद आया है। तो इसी तरह की पॉलिसी जो है, जो कल्चरल पॉलिसी है, फिल्म्स की पॉलिसी है, म्यूज़िक एंटरटेनमेंट, जिसकी ऊपर भी जो पॉलिसी इन्होंने ड्राफ्ट की है, मैं वो उस पॉलिसी को देखना ज़रूर चाहूँगा और अपनी सजेशन उसमें ज़रूर देना चाहूँगा। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। कल परसों फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है कि हमने जो गैर मुल्की मवाद है उस पर टैक्स लगाया है, जिससे हमारे लोकल आर्टिस्ट जो हैं उसको फ़ायदा होगा। एक तरफ हुकूमत इन फिल्मों को इजाज़त भी दे रही है और फिर मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर कुछ ड्रामास भी तैयार किए जा रहे हैं। मैंने इसकी बात पहले ही कही थी कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं फवाद साहब, उनसे बैटिंग ना करवाएं। अच्छा, लास्ट में बता दीजिएगा, इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? देखिए, मुल्क को अगर सरहदों पर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको सरहदों में फौजी लिबास में नज़र आएंगे। अगर मुल्क को फिल्मी स्क्रीन के पर्दे पर नज़र आने के लिए कहा तो हम वहाँ भी हाजिर हैं। जहाँ कहेंगे इस वतन के लिए हम हाजिर हैं। मुल्क को ऐवान के अंदर आप जैसों की ज़रूरत है। मेरी कोशिश होगी जी, जहाँ मुझे मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से और जो अवाम की प्यार और इज़्ज़त देने की वजह से और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के अगर वो काबिल समझेंगे तो ज़रूर हाजिर होंगे।